हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुर। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और देखिए, अभी बहुत सारा देखिए मैसेज आए हुए हैं जेएससी सीजीएल री एग्जाम को लेके। आपका सेंटर का डिटेल आया है, ठीक है, तो उसी के बारे में आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बस अवेयर करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए कि मैसेज क्या आया है, क्या होना है, क्या घबराना किसी बात को लेके नहीं है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से आपको मैसेज आ रहा है सीपी जेएसएससी आरए, ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है, ये मैसेज भी आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग, आप लोग बोल रहे हैं कि सर मेल आया है, मैसेज नहीं आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैसेज आया है, मेल नहीं आया है, ठीक है, उसको लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है। इस तरह का मैसेज सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है कि इफ समवन इज आउटसाइड झारखंड, सपोज कीजिए कि झारखंड से बाहर रह रहे हैं कोई, ठीक है, तो उनको पता रहता है कि भाई आपका सेंटर कब कहाँ का है और आपका एग्जामिनेशन का डेट कहाँ का है। क्योंकि एक ही बार आप लोग सब कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लगते हैं ना, तो लोड मतलब कि बहुत सारे बंदे एक ही बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, कभी कभी वेबसाइट जो है वो हैंग कर जाता है, क्रैश कर जाता है। तो उस तरह से सिचुएशन को निपटने के लिए, ठीक है, इस तरह से देखिए आपको एक मैसेज पहले ही 10 दिन पहले भेज दिया जा रहा है, ठीक है। क्या है मैसेज, हमें मतलब कि आपको बता दे रहा कि इस तरह से देखिए मैसेज आ रहा है, सीपी जेएसएसएस सीआर, डियर कैंडिडेट, जेएसएससी इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट कमीशन इज गोइंग टू कंडक्ट जेएससी सीजीएल का एग्जाम 2023 री एग्जामिनेशन, ठीक है, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम बतला दे रहे हैं आपको। 21 तारीख को और 22 तारीख को आपको री एग्जाम जेएसएससी सीजीएल का होने वाला है, ठीक है। अब कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें कि उम्मीदवार का नाम रहता है, यहाँ थोड़ा गोपनीयता को मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए हम आपके सामने इस तरह रखे हैं, ठीक है। पंजीकरण संख्या रहता है, अनुक्रमांक रहता है, परीक्षा की तिथि आपको, जैसे कि इनका भाई साहब का है 22 तारीख को, और परीक्षा केंद्र इनको दिया है हजारीबाग, और यहाँ पे बता भी दिया है कि प्रवेश पत्र आप लोग जो डाउनलोड कीजिएगा, एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कीजिएगा, वो 17/9/2024 को आपको वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। काइंडली विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, ये बोला जा रहा है कि आप वेबसाइट जो है वो रेगुलरली विजिट कीजिए। मैं भी आप लोगों को या फिर हमारी टीम भी आप लोगों को यही बोलती है कि सिर्फ वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा, किसी और को ज्यादा फॉलो नहीं करना है। ये मैसेज आया है ना, तो कोई फेक मैसेज नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव मैसेज है, ताकि कुछ लोग जो रहते हैं वो बाहर रहते हैं, ठीक है। एक और भी देखिए, आप ही लोग हमको फॉरवर्ड किए हैं ये सर, ठीक है। देखिए सर, इस तरह का मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं आया है, तो उन लोग बोल रहे हैं कि सर हमको मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। मैसेज अगर नहीं आया है तो मैसेज आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिनको मैसेज आया है उनको मेल भी आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोगों को मेल जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जैसे यहाँ पर एक और कैंडिडेट का है, सेम है, ठीक है, उम्मीदवार का नाम यहाँ पे रहता है, पंजीयन संख्या रहता है, अनुक्रमांक रहता है, परीक्षा की तिथि इनका 22 को है। आप लोगों को परीक्षा का 2 तिथि दिया गया है, ठीक है, एक 21 तारीख को है और एक 22 तारीख को है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे इनका ये भाई साहब को दिया गया है रांची, तो इस तरह से आप लोगों को जो मैसेज आ रहा है वो आपके एग्जामिनेशन का सेंटर का ये मैसेज है। अब आप लोग पूछ रहे हैं सर उसमें कॉलेज तो बताए भी नहीं किया है, पता तो बताए भी नहीं किया है, तो वो पता बताया जाएगा आपके, डाउनलोड कीजिएगा जब एडमिट कार्ड, जब आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा ना, वो डाउनलोड होगा 17 तारीख से। 17 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, वहां पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और पंजीयन संख्या डालिएगा, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, इधर उधर भटकना नहीं है। अच्छा, आप कुछ लोग ये अभी भी लटके हुए हैं कि पता नहीं सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखिए, एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आप अगर तैयार नहीं रहिएगा तो जिंदगी में पछतावा पछताते रहिएगा, इस बात को दिमाग में रखिए। एग्जाम होगा कि नहीं होतो कि नहीं होतो का पता, का जनी होतो कि नहीं होतो, ऐसे दिमाग में मत रखिए। एग्जाम का जब मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, वेबसाइट में बतला रहा है कि हाँ भाई एग्जाम लेंगे, तो आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए और अपने आप को एकदम प्रिपेयर करके रखिए। कहे कि पहले से आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं, बस अब रिवाइज कीजिए, आप लोग मोटिवेटेड होके
10 दिन पहले, एक्चुअली होता क्या कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए आप लोग के हाथ में, तो एडमिट कार्ड की जगह आप लोग को मैसेज मिल जा रहा है, घबराने का बात है ना। और ये सब चीज के लिए भी अगर वीडियो हम लोग दें तो भाई इतना इतना मतलब समय क्यों देना, ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बस आप ही लोग प्रेस करने लग गए हैं कि सर बना दीजिए ना बना दीजिए, इसीलिए हम बना दे रहे हैं। जो भी अभी ग्रुप में है, चाहे पेड बैच में है, चाहे आउटसाइड है, जो भी है, आप लोग देखिए और घबराना नहीं है। मैसेज जो आ रहा है वो आपको बस सेंटर के लिए आ रहा है, काहे कि देखिए हम ही लोग के साथ जो जुड़े हैं, बहुत सारे लोग राजस्थान से हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, असम से हैं, केरला से हैं, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। तो अब मान लीजिए उन लोगों को टिकट बुकिंग करनी है, एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए, तो 10 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि भाई इट इज टू बी इन्फॉर्म दैट कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन दिस एंड दिस डेट, ठीक है, एंड योर एग्जामिनेशन सेंटर विल बी दिस। समझिए मेरी बात को, इफ समवन इज वर्किंग समवेयर आउटसाइड, अगर आप लोग काम कर रहे हैं, या समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन, समवन इज स्टेइंग इन दिल्ली बैंगलोर, तो इन दैट केस, वैसे केसेस में वो लोग अपना ट्रेन का बुकिंग, फ्लाइट का बुकिंग, जो भी बुकिंग करेंगे और एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम पहुंच जाएंगे, उसके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफॉर्मेशन आपको मैसेज के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का अगर नहीं आया है मैसेज तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको मेन चीज है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड 17 तारीख को डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड करके ही आपको प्रवेश पत्र, प्रवेश आपको एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में उसी के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी पैनिक, ठीक है। ये सिर्फ मैसेज आपको सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि भाई आप लोग अवेयर हो जाइए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहां पे है। तो 10 दिन पहले अगर आपको अगर जाना है कहीं पर, अब जैसे कि कोई रह रहे हैं रांची में और उनको दे दिया है हजारीबाग, किसी को दे दिया है गुमला, किसी को दे दिया है कहीं भी बोकारो धनबाद, कहीं भी दे दिया है, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, इसीलिए ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा, मैसेज आया है, मेल नहीं आया, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता तो चल रहा है ना कि आपका सेंटर कहाँ है, तो चुपचाप से मैसेज को बंद कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। नागपुरी की तैयारी एडवंकुरन के द्वारा कराई जा रही है, ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। और अभी भी अगर संशय में है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, एकदम इतना ज्यादा बोल के क्लियर करके वीडियो आप लोग को दे दिया जा रहा है। अब इसके बावजूद भी अगर संशय है कि हो सकता है कि एग्जाम नहीं होगा या फिर रुक जाए एग्जाम, तो वो सब भाई हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग बस आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, उसके अलावा और कोई मतलब कुछ नहीं। आप लोग रेगुलर जो है वेबसाइट जो है JSCCGL का, उसको विजिट कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, है ना। तो चलिए आज के वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।